हेलो फ्रेंड्स, ये देखिएगा मैंने आपको बताया था कि मैं हरिद्वार आई हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है और कांवर की भी अपनी कांवर लेकर निकल चुके हैं। ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपको आगे तक का दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चंडी मनसा माता के यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। तो ये बस वहीं का रास्ता है, इस पर इतना रस है। ये देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर माता रानी बैठी हुई हैं और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है जो आप लोग देख सकते हैं। बम 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 बम, ये देखिएगा दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है, कितने सारे भोले हैं भोली हैं जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वो वहाँ पर बैठी हुई हैं हमारी माता रानी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वहां पर जाकर, आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों यहां पर रास्ता भी बहुत ख़राब हो रहा है, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा खींच हो रही है, बड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर रोपों पे चल रहे हैं, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। देखिएगा दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू है, वेलकम टू मनसा देवी मंदिर। देखिए दोस्तों गंगा मैया भी दिख रही हैं यहाँ से, देखिएगा दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है। गंगा मैया भी आपको दिख रही है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देखिएगा दोस्तों ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है, देखिएगा दोस्तों बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देखिएगा दोस्तों रोपों पे जा रहे हैं नीचे, दोस्तों हम अपनी मंजिल की करीब हैं, बस कुछ ही देरी में हम अपने मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे और हमें कुछ ही देरी में नहीं अभी थोड़ा टाइम है अपनी माता रानी के दर्शन होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ गई है, हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको। देखिएगा दोस्तों आपको भोले बाबा नज़र आ रहे होंगे, आपको पास करके दिखाती हूँ, बट फेस नहीं दिखेगा उनका क्योंकि वो बैक का सीन दिख रहा है। जी देखिएगा दोस्तों क्या नज़ारा है यहाँ का,
मधुमक्खियां बैठी हुई है तो फिर बैठने की क्या जरूरत है। देखो ये देखिएगा दोस्तों, कुछ ये पहाड़ का नीचे का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मैं जो जल लेने के लिए आई हूँ, ये मैंने अपनी मम्मा के लिए बोला था, जो आज बहुत टाइम के बाद में मुझे करने के लिए मिला है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसे पूरा करूं, बट मैं नहीं कर पा रही थी, कुछ ना कुछ मेरे साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, लेकिन आज मुझे भोले बाबा ने अपने नगरी बुला ही लिया है और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने बोला था वो मैं कर पा रही हूँ। और दोस्तों देखिएगा, इस जंगल में हिरन भी घूम रहे हैं, अभी दिखा था लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया।